हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ वीडियो अबाउट माय टाटा सफारी डायकोर 2010। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल 10 साल में, एंड हाउ इट इज़ टू राइड दिस कार, एंड किन के लिए ये गाड़ी बनी है एक्चुअली। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू मैनी थिंग्स अबाउट द। सो दिस हैज क्लॉक्ड अराउंड 120,000 किलोमीटर्स। एंड आज इसकी वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि आज ये बेच रहा हूँ मैं आज इस गाड़ी को, अप्रॉक्स 9 से 10 साल बाद। तो गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू रियली इंजॉयड दिस वीडियो, एंड आई विल टेल यू हाउ इट इज टू ड्राइव अ टाटा सफारी एंड किन टाइप क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। एक्चुअली ये गाड़ी उन लोगों के लिए जिनके लिए कंफर्ट इज़ मैंडेटरी, मतलब जिनके लिए कंफर्टेबल, तो मतलब कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्या कहते हैं, गाड़ी की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ना, वो लास्ट लॉन्ग करे। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था टाटा सफारी से कि वो इतने टाइम तक और इतनी विदाउट एनी प्रॉब्लम ऐसे चले। इस गाड़ी ने आज तक कभी मेरे को धोखा नहीं दिया, चाहे कैसे सिचुएशन हो। मैं इसको कहीं भी लेके गया हूँ, नैनीताल लेके गया हूँ, जोधपुर से नैनीताल एंड बहुत सारी जगह घुमा हुआ हूँ इस गाड़ी में, पर इसने आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं की। हर साल मैं दिल्ली जाता हूँ इस गाड़ी को लेके, कभी कोई इशू नहीं, कभी कोई, मतलब थैंक्स टू गॉड। एंड ये लकी भी है गाड़ी, मे बी मेरे लिए, इसलिए शायद क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स बताते हैं टाटा सफारी में, उस हिसाब से तो मेरे लिए तो बहुत लकी है ये गाड़ी। ये गाड़ी मैं बेच इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 कार और पड़ी हैं और ये अब इतना यूज़ नहीं होती, तो खड़े खड़े ख़राब होगी, उससे बढ़िया इट इज़ बेटर टू सेल। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा हाउ इट इज़ टू ड्राइव अ टाटा सफारी डायकोर एंड शुड यू बाय दिस इन 2019। ठीक है, एक्चुअली ये गाड़ी वो लोग लेते हैं जिन, पहली बात तो ये, अगर अब तो सेकेंड हैंड में मिलेगी आपको डायकोर, एंड स्ट्रॉम लेनी है तो वो तो पड़ेगी आपको अप्रोक्स 6 से 7 लाख की, तो उस बजट में और भी अच्छी गाड़ी आ जाती है बीइंग ऑनेस्ट। पर अगर सफारी लेनी है तो सफारी इट अच्छी क्वालिटी है, स्ट्रॉम की बहुत अच्छी क्वालिटी है, इससे नो डाउट। पर अगर आपका बजट है 3 से 4 लाख में और आपको SUV चाहिए फैमिली के लिए, विच इज़ रिलायबल, बीइंग ऑनेस्ट विच इज़ रिलायबल, एंड अगर आपको अच्छी मेंटेन गाड़ी मिल जाए, तो इस गाड़ी से अच्छी आपको कोई गाड़ी नहीं लगेगी। जो ड्राइवर पॉइंट ऑफ प्रस्पेक्टिव मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से इस गाड़ी से अच्छी आपको कोई नहीं लगेगी। इसमें 140 BHP है एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, एंड उड़ती है ये गाड़ी, लिटरली उड़ती है, मतलब आप पैर रखो और ये तैयार है गाड़ी। मैं आपको इसमें बताता हूँ, मेरे को इशू ये था कि मैंने अल्टरनेटर चेंज करवाया था, उसके बाद से मैंने जो अल्टरनेटर लगवाया है, एक मिनट चेक कर लूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग आई गेस, या सो हाँ, मैंने अल्टरनेटर चेंज करवाया था। उसके बाद से क्या हुआ कि उसका जो सेंसर होता है उसमें कुछ फॉल्ट था, तो उस वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है ये RPM, सिर्फ मीटर मीटर फ्लक्चुएट हो रहा है, इफ़ यू कैन सी आई गेस। तो बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मीटर, ये सेंसर भी चेंज हो जाएगा जब मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है। बाकी इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है, गाड़ी इज़ ऑल क्लीन एंड क्लियर। मैंने 120,000 चलाई है, 90,000 पे इसका वो हुआ था सब, सस्पेंशन का सारा काम हुआ था इसमें, विच कॉस्टेड में अबाउट 50 to 60,000। मैंने टाटा से ही करवाता हूँ सारे काम, और टाटा की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है बीइंग ऑनेस्ट सर्विसिंग की, मैं इसको ज़्यादा चलाऊंगा नहीं बिकॉज आज ये बिक रही है, तो इट इज़ बेटर टू क्लॉक ना करूँ मैं किलोमीटर से इस पर। तो हाँ, तो सर्विसिंग इसकी, आप टाटा सफारी से, टाटा सफारी की सर्विसिंग इज़ लाइक ओके, इतना भी महंगी नहीं है, मतलब महंगी तो नहीं है, आज के टाइम में महंगी नहीं है, 4 से 5 हज़ार की सर्विस होती है इसकी, तो उस हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ठीक है, पर क्वालिटी नहीं है, इस वजह से उसके प्राइस भी कम है सर्विसिंग की। तो बात यह है, इसमें
वैसे तो ये इन मिरर को चेंज करवा के बड़े वाले लगवा लेने चाहिए जो क्रोम वाले आते हैं, पर इट इज ओके, मतलब काम कर देते हैं, ये वाइड हैं थोड़े तो आते हैं। इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस में एसी इज क्वाइट गुड, पर ये गाड़ी बड़ी है इस वजह से टाइम लगता है कूलिंग में, इस वजह से इफेक्ट कम लगता है कि भाई एसी धीरे है या क्या है जो भी है। एंड पीछे भी एसी है, और पीछे भी एसी है। एंड ये गाड़ी एक्चुअली बहुत मेंटेन गाड़ी है, मतलब इसमें इतनी मेंटेन गाड़ी आपको मिलेगी नहीं सफारी में। एंड दूसरी बात ये, इससे पहले हमारे पास स्कॉर्पियो थी, एंड स्कॉर्पियो के बाद जिसने सफारी ली है उसको इसका वर्थ पता है कि क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। एंड इससे कंफर्टेबल गाड़ी आपको नहीं मिलेगी हाईवे के लिए, बीइंग ऑनेस्ट मैं इसका कह सकता हूँ फॉर्च्यूनर से अच्छा कंफर्टेबल कंफर्ट ये दे देगी आपको, लिटरली बोल रहा हूँ, फॉर्च्यूनर से अच्छा कंफर्ट ये दे देगी आपको। एंड दूसरी चीज़ ये कि इसमें पावर भी बहुत है, गाड़ी बहुत अच्छी है, मेंटेन करके रखोगे तो बेस्ट गाड़ी है। इससे अच्छी गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली है इस बजट में, अगर सेकेंड हैंड में लेते हो आप तो इस बजट में इससे अच्छी नहीं मिलने वाली है। एंड जब हमने ली थी तब भी वर्थ इट थी ये, स्कॉर्पियो चलाने के बाद ये चलाई यूज़ की तब पता पड़ा कि फ़र्क क्या होता है। मतलब स्कॉर्पियो, मैं स्कॉर्पियो की बुराई नहीं कर रहा, पर स्कॉर्पियो लाइक बहुत हल्की गाड़ी है वो, मतलब इतनी ना उसमें कोई, मतलब लगता है कि भाई आप मतलब सेफ बैठे हो या कुछ, और पावर उसमें बहुत है, नो डाउट पावर, ऐसे लगती है कि बस हवा ही हवा में ही उड़ रही है गाड़ी पता नहीं। पर दिस गाड़ी इज़ वर्थ इट, अगर आपका बजट है तो प्लीज़ गो फॉर इट। एंड मैं हो सकता है तो मैं मे बी और वीडियोस बनाऊंगा इस गाड़ी पे, अगर ये जब भी विजिट करेंगे हमारे घर पे या कहीं पे तो पक्का से बनाऊंगा मैं वीडियोस इस गाड़ी पे। बाकी इट इज़ टोटली मेंटेन कार, एंड आप देख ही सकते हो आप इसके नए टायर लगे हुए हैं। अब मेरे को थोड़ा लगता है कि दुख होता है कि भाई इतनी अच्छी गाड़ी बेच रहा हूँ मैं, पर इसका ऑप्शन नहीं है कोई, क्योंकि गाड़ी खड़ी खड़ी रहेगी, चलती कुछ नहीं है ये। हाँ तो अब आते हैं, एक सेकंड। हाँ जो मैं बता रहा था आपको कि इसके टायर्स भी नए पड़े हैं, ये पूरी गाड़ी एक बार देख लीजिए, दिस इज़ माई कार। एंड लिटरली ऑल ओरिजिनल पेंट है। इसके पेंट की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये फाइबर का होता है तो ये पेंट हटने लग जाता है। अब 10 साल हो गए, अब कुछ तो हो गए गाड़ी में। बाकी ओवरऑल पूरी नया का नया पेंट है, पेंट इंस्टेंस मतलब फैक्ट्री पेंट है, पूरा ओरिजिनल पेंट है। इसके पेंट की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये फाइबर का होता है तो ये पेंट हटने लग जाता है। अब 10 साल हो गए, अब कुछ तो हो गए गाड़ी में। बाकी ओवरऑल पूरी नया का नया पेंट है, पेंट इंस्टेंस मतलब फैक्ट्री पेंट है पूरा, कहीं से कुछ करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इसका लेग रूम है, लेग रूम आप देखिए, आप देख के बता सकते हैं कि इसमें लेग रूम कितना पड़ा है। ऊपर एसी है, नीचे भी एसी दे रखा है इसमें। एंड रियर सीट में देखें तो आप, रियर सीट ये छोटी है, ये छोटी है, काश ये वो बेंच वाली होती, पर फिर ये है कि भारी और हो जाती गाड़ी, वैसे ही कम भारी नहीं है, 8 सीटर हो जाती है, पर कंफर्टेबल तो रहती है, ये तो बात है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका गेट, ये गेट पे ये बहुत भार डालता है टायर, ये मतलब लॉक ख़राब कर देता है गाड़ी के पीछे वाले। और सबसे ये एक इशू है कि भाई इनके गेट भी भारी हैं तो इनके लॉक बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। मतलब मैंने एक बार, अभी तक तो भले एक बार ही चेंज करवाया ये लॉक इसका, एक इस गेट का करवाया और एक रियर गेट का, इन दो गेट का लॉक चेंज हुआ है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम ये है, इनका कांच ये बहुत भारी होते हैं तो इनकी मोटर भी चेंज करवानी पड़ती है, पर अभी इतना मतलब इतना कोई इशू नहीं, चढ़ जाते हैं ऊपर, अटकते चढ़ रहा है पर चढ़ जाता है। और क्या कहते हैं दूसरी चीज़, और क्या कर सकते हैं, बाकी गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। मेरे पास एक वर्ना है और एक फीगो है, मैं और मेरे पापा दोनों बोलते हैं कि जो कंफर्ट सफारी का है
वो ये गाड़ी नहीं दे सकती, ये छोटी गाड़ियाँ नहीं दे सकती चाहे कुछ भी हो। पर इसकी भी एक होता है कि टाइम पीरियड होता है हर चीज़ के रखने का, अब हमारी यूज़ में नहीं है तो हम किसी और को देंगे, वो यूज़ कर पाएगा जिसके यूज़ में आ रही है गाड़ी। क्योंकि इस गाड़ी के हो गए 10 साल हो गए, तो उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी में ये सीन होता है कि दिल्ली ले जा नहीं सकते आप। बाकी अब हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे रखे रखते गाड़ी को, और कोई ऐसा नुकसान दे नहीं रही है गाड़ी। नुकसान तो अब हो रहा है लिटरली तो, पर कोई बात नहीं, हर चीज़ का टाइम होता है। ये गई तो कभी और दूसरी लेंगे जो, और ये है मेरी वरना, इसका भी रिव्यू लगाऊंगा मैं, डालूंगा, इसका भी रिव्यू बनाऊंगा मैं जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके अंदर अच्छा खासा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं और भी डालूंगा वीडियो, डोंट वरी। मतलब डोंट वरी इन सेंस कि मैं बहुत वैसा हूँ, आई लव कार्स एंड बाइक्स, तो मैं करता रहता हूँ, DIY भी बनाता हूँ मैं। आप DIY देखे हो तो आपने, अगर मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, क्रिएटिव बास्टर्ड नाम है मेरे चैनल का। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड मैं थोड़ा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। डिटेल्ड मैं सोचा था डिटेल्ड वीडियो बना दूँ, पर मैं एक्चुअली कॉलेज गया हुआ था, इस वजह से मैं बना नहीं पाया जिसकी पूरी ढंग से वीडियो, पर इट्स ओके। मैंने ये लगवाया था इसके अंदर रिवर्स कैमरा विद ब्लूटूथ, ये बहुत ज़रूरी है। एंड वैसे रिवर्स कैमरा की जगह रिवर्स सेंसर, पार्किंग सेंसर लगवा लो, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेंगे, मतलब वो काम ज़्यादा आते हैं, अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, थैंक यू।